हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने ही में सब कुछ है। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, माने व्यवसाय प्रबंध की सिद्धांत। सब्जेक्ट हमारा है व्यवसाय प्रबंध की सिद्धांत। जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये हमारा सब्जेक्ट है। आज इसमें जो हमारा टॉपिक है वह पढ़ेंगे प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र। टॉपिक आज का है प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है? फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेज मैं। ठीक है, यह हमारा टॉपिक है। टॉपिक का मतलब है प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र। कहने का मतलब है कि प्रबंध क्या कार्य करता है, उसके एरिया कहां तक है, मैनेजमेंट का क्षेत्र कहां तक, मैनेजमेंट कहां तक पहुंचा है। तो फिलहाल इस बुक में यही बताया गया है कि मैनेजमेंट 5 सेक्टरों में डिवाइड है। वैसे तो मैनेजमेंट का प्रयोग, प्रबंध का प्रयोग व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्रों में किया जाता है। व्यवसाय क्या, व्यवहारिक जीवन से लेकर हर एक सेक्टर में किया जाए, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल स्टडी हो, हर एरिया में मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता है। यहां तक व्यवहारिक जीवन में भी अपने मैनेजमेंट का प्रयोग होता है। लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा गया है। वह 5 भाग कौन कौन से हैं, यह जानिए। 5 सेक्टर कौन कौन से डिवाइड किए गए हैं, इसको आप जानिए। सबसे पहला सेक्टर है इसका, ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा सेक्टर इसका है सेव वर्गीय प्रथम प्रबंध। कौन सा है? सेव वर्गीय प्रबंध। ठीक, सेव वर्गीय प्रबंध। सेव वर्गीय प्रबंध होता क्या है, पहले आप हम इसे ये जानें। सेव वर्गीय प्रबंध को अंग्रेजी में पर्सनल मैनेजमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्सनल मैनेज मैनेजमेंट कहा जाता। पर्सनल मैनेजमेंट होता क्या है बताइए? पर्सनल मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मैनेजमेंट अर्थात वह प्रबंध जिसमें किसी कर्मचारी की नियुक्ति से लेकर उसके शिक्षण प्रशिक्षण तक, उसे कार्य पर लगाने तक, उससे जॉब से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, उसे पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि इच्छापूर्ण ढंग से कर्मचारियों को सहायता करना, उनकी नियुक्ति करना, उनका ट्रांसफर करना, उनका वेतन की व्यवस्था करना, उन्हें कार्य पर लगाना, आवश्यकता पड़ने पर शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ये सारे पर्सनल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न यह है कि यह पर्सनल मैनेजमेंट अर्थात सेवर्गी प्रबंध हमारा कौन कौन सी कार्य करता है। तो पर्सनल मैनेजमेंट के यहां पे हम शो कर रहे हैं इसके कार्य, फंक्शंस। इसके कार्य में है, पहला कार्य है कर्मचारियों की व्यवस्था करना। क्या है? कर्मचारियों की प्राप्ति, यह व्यवस्था एक ही चीज है। सबसे पहले पर्सनल मैनेजमेंट ये करता है, सेवर्गी प्रबंध के द्वारा यह किया जाता है,
कि हमें अपने संगठन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने व्यवसाय, अपनी संस्था, फर्म के लिए एक अच्छे और योग्य कर्मचारियों को ढूंढे और उनकी नियुक्ति करें। ठीक है, जब वो व्यक्ति या संस्था का प्रधान या मैनेजमेंट एक अच्छे कर्मचारी की अपने यहां अपॉइंटमेंट करता है, नियुक्ति करता है, तो उसे कर्मचारियों की प्राप्ति कहा जाता है। दूसरा काम उसका होता है कर्मचारियों का विकास करना। क्या होता है? कर्मचारियों का विकास। कर्मचारियों के विकास का मतलब यह होता है कि जब एक अच्छे एम्प्लॉय की नियुक्ति कर दी जाती है तो उनको डेवलप करना। डेवलप कैसे किया जाता है? कि उन्हें कार्य पर लगाकर उनको बताया जाता है, अर्थात एक ट्रेनिंग दी जाती है, समझाया जाता है इस काम को ऐसे नहीं, इस तरह से करना, उस तरह से कार्य के वो योग्य बन पाता, उससे उसका माइंड डेवलप होता, उसको काम करने का ढंग आ जाता, उससे कर्मचारी का विकास होता है ताकि वह बिना बताए हुए अच्छे ढंग से कार्य को कर सके। तो दूसरा स्टेप उसका हुआ कर्मचारियों का विकास करना। तीसरा है कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति। कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति। कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति का मतलब है कि संस्था में यदि कोई कर्मचारी काम कर रहा और किसी कारणवश उसे कुछ लॉस हो रहा, लॉस किसी भी तरह से हो सकता है, धन के रूप में भी हो सकता है, शारीरिक क्षति भी हो सकता है, मानसिक क्षति भी हो सकता है, उसकी कुछ पारिवारिक भी क्षति हो सकता है, तो जब किसी प्रकार की क्षति है, खास तौर से उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो और उस कर्मचारी से रिलेटेड हो, तो उसकी पूर्ति करना, उसकी व्यवस्था करना। जैसे जानते होंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी संस्था में ज्वाइनिंग करता है तो संस्था का प्रधान या मालिक का ये कर्तव्य होता है कि सबसे पहले उसका इंश्योरेंस करते हैं ताकि फ्यूचर में कोई घटना घटित होने पर हम तो जो करें वो तो करें ही, उसके अतिरिक्त उसको कुछ इंश्योरेंस कंपनी से भी सहायता मिल जाए। तो कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की पहले बंदोबस्त करता है कि एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा है तो उसे किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, यदि हो भी जा रहा है किसी कारणवश तो उसको, उसका तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन उसकी फैमिली वगैरह के लिए कुछ करके जाए। तो कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति तीसरा। चौथा स्टेप है कर्मचारियों का एकत्रीकरण। कर्मचारियों का एकत्रीकरण। कर्मचारियों का एकत्रीकरण का मतलब होता है कि संगठन में एक दो कर्मचारी नहीं होते, बहुत सारे कर्मचारी होते, उन सभी कर्मचारियों को एक स्थान जिसे कार्यालय बोला जाता है वहां पे एकत्र करना, उन्हें काम पर लगाना, उन्हें आपस में तालमेल बैठाए रखना, समन्वय स्थापित करना अर्थात कोऑर्डिनेशन करना, ये प्रबंधक का कर्तव्य होता है। तो तीसरा है फंक्शनल मैनेजमेंट का काम कर्मचारियों का एकत्रीकरण करना। और अंतिम कार्य है इसका पांचवा, कर्मचारियों को अनुशासित करना। अनुशासित करना। चौथा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यदि किसी कर्मचारी को अपॉइंटमेंट करके काम पर लगा दिया जाता है, लगाने के बाद से सब कुछ ठीक ठाक से चलता है तो उसके साथ यह भी जरूरी है कि वह कर्मचारी डिसिप्लिन निकाले, उन्हें संस्था का डिसिप्लिन सिखाया जाए कि काम को ऐसे करना है, इस निर्धारित समय पर आना है, इस निर्धारित समय पर जाना है, ऐसे कार्य को करना है, अपने अधीनस्थों से कैसे व्यवहार करना है, अपने सीनियर से कैसे व्यवहार करना, ये डिसिप्लिन सिखाना से वर्गीय प्रबंध अर्थात पर्सनल मैनेजमेंट का काम होता है। तो प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र में पहला आप स्टेप पढ़े हैं पर्सनल मैनेजमेंट अर्थात से वर्गीय प्रबंध, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक, दूसरा अब इसका सेक्टर आता है प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र का वित्तीय प्रबंध। इसका सेकंड है बी लिख दे रहे हैं वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। फाइनेंशियल मैनेज
मैनेजमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन या संस्था में वित्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि बिना पैसे, बिना धन, बिना पूंजी का कोई कारोबार करना संभव नहीं होता। तो हर एक प्रबंधक को चाहिए कि सबसे पहले वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो, मजबूत हो, तभी वह किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट कर सकता है, खासतौर से बिजनेस में। तो वित्तीय प्रबंध का मतलब होता है कि ऐसा मैनेजमेंट जो धन से रिलेटेड होता है, पैसे पर नियंत्रण किया जाता है, पैसे के आवागमन पर नियंत्रण किया जाता है, पूरी संस्था की नींव वित्त पर निर्भर करती है, कहां से लेना है, कहां देना है, कैसे व्यवस्था करना है, किसको किस हिसाब से देना है, इन्वेस्टमेंट कहां करना है, प्रोडक्शन किस हिसाब से किया जाएगा, उसमें कितना पैसा लगेगा, उसका लेखा जोखा कैसे रखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट कैसे तैयार किया जाएगा, ये सारे कार्य फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किए जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो ये भी किया जाता है, रेशियो एनालिसिस किया जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स ज्ञात किया जाता है, और कैश फ्लो बनाया जाता है, फंड फ्लो बनाया जाता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके। प्रश्न ये आता है कि वित्तीय मैनेजमेंट के कार्य क्या है, यह कौन कौन सा कार्य करता है, वित्तीय मैनेजमेंट में कौन कौन से काम किए जाते हैं। वित्तीय मैनेजमेंट का पहला काम होता है कि पूंजी की आवश्यकताओं को का अनुमान लगाना। क्या होता है? पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाना। पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम यह होता है कि यह जाने कि हमारे कारोबार, हमारे व्यवसाय में कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हम किसी संस्था को बना रहे हैं या उसको चलाने जा रहे हैं, तो चलाने से पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना जरूरी है। उस कारोबार में, उस संगठन में, उस व्यापार में हमें कितने धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस बिना पूंजी का नहीं हो सकता। तो सबसे पहला यह है, व्यवस्था करना तो बाद में है, सबसे पहले एक आंकड़ा तैयार करना, एक बजट बनाना कि इस कारोबार में हमारी पूंजी की कितनी आवश्यकता हो। तो पूंजी का अनुमान लगाना पहला काम है। दूसरा है पूंजी की व्यवस्था करना। जब हम अनुमान लगा लेते हैं, जैसे देखिए कोई भी काम हम जब करते हैं तो जानते हैं कि इतना पैसा इन्वेस्ट होगा, तो यह कहलाता है अनुमान कर लगाना, मतलब उसकी प्लानिंग करना। और जब प्लानिंग कर लिया जाता है तब यह जानना जाता है कि अब ये पैसा कहां से इकट्ठा। तो जिन जिन स्रोतों से हम अनुमान लगाए रहते हैं, उन स्रोतों से पैसे का, पूंजी का, धन का व्यवस्था करना दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है। तीसरा इसका काम है पूंजी का सदुपयोग करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तीसरा काम होता है कि जो भी हमने कैपिटल सोचा है या एकत्र किया है, उस पूंजी का, उस कैपिटल का हम कहां यूज करें, किस प्रकार यूज करें। जैसे मान लीजिए क्या आपको एक मकान बनवाना है, ठीक है, तो मकान बनवाने के लिए आपके दिमाग में पहले से वो घूम रहा है। मकान बनवाने के लिए घूम तो रहा है, लेकिन अब उस पर ये सोच रहे हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना पैसा उस पर लगेगा। तो यह कहलाता है पूंजी का अनुमान। अब सोच तो लिए कहां से मिलेगा, ये भी सोच लिए, अब जब मन में ठान ही लिया है कि मकान बनवाना है तो उस पैसे की व्यवस्था करना, तो ये पूंजी की व्यवस्था करना कहलाता है। और जब व्यवस्था हो जाए, पैसा आ जाएगा, तब क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उस मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि उस पूंजी का सदुपयोग होना चाहिए, मतलब सही जगह पर उसका यूज होना चाहिए। हमें जितनी आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में माल को मंगाए, अधिक नहीं, ताकि वेस्ट होगा या बच भी जाएगा हमारा स्टॉक, तो वहां पे हमको क्या होगा, नुकसान होगा, हमारी कैपिटल फंसी रहेगी। तो पूंजी का सदुपयोग करना। चौथा इसका है कि वित्त पर नियंत्रण करना। वित्त
पर नियंत्रण करना। चौथा इसका काम है कि जो हमारी फाइनेंस है उस पर कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि कहीं कैपिटल हमारी ज्यादा मात्रा में इन्वेस्ट ना हो जाए, बच न जाए, या कहीं गलत जगह यूज ना हो जाए। जिस कार्य के लिए हमने इकट्ठा किया है, सबसे पहले जरूरी है कि वहां पे इन्वेस्ट हो, तो उस पर कंट्रोल करना ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जानते हैं कि जब पैसा आता है पॉकेट में तो खर्च होने का हजारों रास्ते निकल जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि उसको रोक कर रखना और जिस कार्य के लिए एकत्र किए हैं उसी कार्य पर इन्वेस्ट करना। और लास्ट है विविध कार्य। विविध कार्य का मतलब होता है अन्य कार्य। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और भी काम होता है कि जितने भी कारोबार में हमने पूंजी की व्यवस्था की है उसका पूरा लेखा जोखा रखना, कहां से आए, कितना खरीदे, कितना बेचे, कितना बचा, कितना स्टॉक है, कितना ऑर्डर दिए गए हैं, कितना एडवांस है, ठीक ना। उसके लिए एक बजट बनाए, उसके अतिरिक्त भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, बैलेंस शीट बनाए, उसकी गणना करते रहें, तथा कैश फ्लो, कैश फंड फ्लो तैयार करें, रेशियो एनालिसिस तैयार करें, ये सब भी कार्य किए जाते हैं। तो दूसरा टॉपिक था आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तीसरा अब इसमें टॉपिक शुरू हो रहा है विपणन प्रबंधन। विपणन प्रबंधन इसको कहा जाता है अंग्रेजी में मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, नाम तो सुने होंगे। मार्केट एक अंग्रेजी शब्द है, मार्केट एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में ट्रांसलेट जब किया जाता है तो हिंदी वर्जन उसका होता है विपणन। विपणन मतलब मार्केटिंग विपणन मतलब मार्केटिंग नहीं, वो तो हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेट। विपणन का मतलब होता है वस्तु का क्रय विक्रय करना। जब किसी कारोबार या व्यापार या बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय धन के माध्यम से, एक निश्चित प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है तो उसी को मार्केटिंग कहा जाता है। प्रश्न यह है कि उस मार्केटिंग पर भी नियंत्रण किया जाता है, तो जब उस क्रय विक्रय पर जो कंट्रोल करते हैं हम, मैनेजमेंट करते हैं हम, अपना उस पर ध्यान लगाते हैं हम, उस पर दिशा निर्देश देते हैं कि कैसे करना है, किस ढंग से करना, तो इसी को कहा जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट भी होता है जिसमें यही बताया जाता है कि बाजार पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, बाजार के रूल्स रेगुलेशंस कैसे होते हैं, माल खरीदते बेचते समय क्या उस पर रूल्स लागू होते हैं, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उस पर किस तरह से नियंत्रण करना चाहिए, किस तरह से उस क्रय विक्रय के तालमेल को बनाए रखना चाहिए, ये सब मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। प्रश्न यह है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में कौन कौन से काम किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले किया जाता है वस्तु का नियोजन। वस्तु का नियोजन कि जो भी वस्तुओं का हमें क्रय विक्रय करना है उसकी पहले से प्लानिंग की जाए। जैसे आपके पास कोई सामान है और बेचना है तो पहले से दिमाग में लगाएंगे किस मार्केट में हम ले जाए। उसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी किसी वस्तु का प्रोडक्शन करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो पहले से उनके दिमाग में रहता है कि वस्तु को हम बना तो रहे हैं लेकिन कहां पर बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, किस ढंग से बेचेंगे, उस वस्तु के बारे में पूरी प्लानिंग करना, यहां तक कि उसकी रॉ मटेरियल हमें कहां से मिलेगी, इसका सेल कैसे करें, ये सारा प्लानिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। दूसरा है विक्रय। विक्रय का मतलब है कि विपणन में विक्रय, क्रय और विक्रय दोनों महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक क्रय भी लिख दे रहे हैं, क्रय मैंने परचेज, विक्रय मैंने सेल, कि हम माल को कैसे बेचें और कैसे खरीदें, कहां खरीदें, कहां बेचें, ये सब नियंत्रण करना मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। अगला है परिवहन।
परिवहन। मार्केटिंग मैनेजमेंट वहां किया जाता है, देखते होंगे मार्केट वहां लगता है जहां कोई चौराहा होता है, रास्ता होता है, कहीं गली में मार्केट नहीं लगता। मार्केट कहां लगता है? जहां आने जाने के साधन हो, रोड हो, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, वहां पे मार्केट लगाया जाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट करते समय या मार्केट की एक स्थापना करते समय, वस्तु को बेचते समय ध्यान दिया जाता है कि वहां ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, क्योंकि हम जब प्रोडक्शन करेंगे और इसको सेल करेंगे तो जो भी व्यापारी आएगा ले जाने के लिए, चाहे हम ही भेज रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं रहेगी तो हम कैसे भेजेंगे। परिवहन की व्यवस्था, चाहे वो परिवहन के छोटी गाड़ी का हो, बड़ी गाड़ी का हो, बस ट्रक हो, कोई भी हो, लेकिन आने जाने की सुविधा हो। देखते होंगे जितने भी मार्केट होंगे, जितने भी सिटी कस्बे होंगे, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है। रोड भी की सुविधा रहती है, बहुत जगह रेल लाइनों की सुविधा होती है, पोर्ट की सुविधा होती है, तो परिवहन के साधनों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला इसमें भंडारण, स्टोरेज जिसको कहा जाता है। देखते होंगे छोटे व्यापारी यदि आप हैं तब तो स्टोरेज की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। छोटे व्यापारी का मतलब छोटा मोटा कोई दुकान कर लिए हैं तो वहां स्टोरेज की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम थोड़ी मात्रा में माल लाते हैं, रख देते हैं। लेकिन जब बड़े कारोबार कर रहे हैं तो वहां पे सारा माल आप अपने दुकान में, अपनी फर्म संस्था में नहीं रख सकते, उसको कहीं ना कहीं उसका आपका डिपो होगा जिसे स्टोरेज कहा जाता है, स्टोरेज में रखेंगे। ट्रक से जब माल का ऑर्डर देंगे, ट्रक से माल आएगा तो दुकान में कहाँ रखा जाएगा, वो कहीं गोदाम में रखा जाएगा। तो फंक्शनल मैनेजमेंट का यही काम है कि भंडारण की उचित व्यवस्था। अगला है इसका पैकिंग करना। बहुत सारे माल आते हैं बाहर से, वैसे ही खुले में आते हैं, बोरे में आते हैं, लेकिन जब उसको पार्ट वाइज करके आप बेस्ट सेल करते हैं तो पैकिंग माल की आपके यहाँ होती है, न कि उसके यहाँ होती है। वैसे अधिकांश सामानें पैक होके ही आती हैं, लेकिन कुछ सामानें ऐसी भी होती हैं जिसको आप स्वयं पैक करते हैं, अपनी सुविधा अनुसार ट्रक अपने कस्टमर के अनुसार पैक करते हैं, तो पैकिंग की भी व्यवस्था मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। अगला है मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण का मतलब होता है, देखते होंगे कि सामान तो खरीद के होलसेल में लेते हैं, लेकिन हम किस प्राइस पर बेचे। जैसे रेडीमेड गारमेंट का है, देखते होंगे जो भी लोग दुकान वगैरह किए हैं तो अधिकांशतः माल थोक में खरीद कर लाते हैं, डब्बा अलग रहता है, कपड़ा अलग रहता है, रेट स्लिप अलग रहता है। लाते हैं पहले डब्बे में पैक करते हैं, अपने हिसाब से उस पर स्टीकर रेट का लगाते हैं। तो क्या है मूल्य का निर्धारण? मूल्य का निर्धारण का वस्तु की कास्ट प्लस एक्सपेंसेस जोड़कर प्लस उसमें प्रॉफिट भी जोड़कर उसकी सेलिंग प्राइस निर्धारित की जाती है। तो मूल्य निर्धारण भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही, इसको रहने दीजिए, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट आपका है विपणन मैनेजमेंट। थोड़ा जगह शॉर्टेज पड़ गया है, विपणन प्रबंध इसको कहा जाता है, सॉरी विज्ञापन है, विज्ञापन प्रबंध इसको कहा जाता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। अब जगह नहीं है पांचवे के लिए तो उसको अलग से मिटाकर मैं बता दूंगा। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, सॉरी एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजिंग मतलब प्रचार प्रसार। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ब्रांड आप बनाए, कोई भी प्रोडक्ट बनाए, तो हमें कैसे पता चलेगा? आप अपनी वस्तु का एडवर्टाइज नहीं करेंगे। जैसे देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियां टीवी में ऐड देती हैं, समाचार पत्र में ऐड देती हैं, मैगजीनों में ऐड देती हैं। उसका ऐड देने का मतलब क्या है कि वो आप बताना चाहती हैं कि हमने ये सामान बना लिया, मार्केट में इस डिजाइन का, इस कीमत का प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, इसकी ये खूबियां हैं, ऐसे चलता है, बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है। यही क्या कहलाता है? मार्केट एडवर्टाइजिंग कहलाता है। विज्ञापन का मतलब होता है कि जब कोई उत्पादन करता फर्म या कंपनी अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए कोई ऐसा कार्य करता है जिससे ग्राहक आकर्षित हो जाए, ग्राहकों में इस
वह भावना उत्पन्न हो जाए कि उसे आसानी से खरीद ले, तुरंत सोचे कि खरीदना चाहिए, यही एडवर्टाइजिंग है। मतलब ग्राहकों को आकर्षित करने के माध्यम को ही विज्ञापन या प्रचार कहा जाता है। इस पर भी नियंत्रण किया जाता है कि जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट जो होता है वो यह ध्यान दिया देता है कि हम जिस प्रोडक्ट को बनाए हैं या हमारी कंपनी जिस प्रोडक्ट को बनाई है, अलग डिपार्टमेंट होता है, उसका काम यह रहता है कि भरपूर मात्रा में इस तरह से विज्ञापन कराए, इस तरह से प्रचार कराए कि हमारी संदेश जनता तक पहुंचे, केवल पहुंचे ही नहीं उनके दिल को छू जाए और वह उस वस्तु को खरीदने के लिए उत्साहित हो जाए। तो यही कहलाता है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। प्रश्न यह है कि एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में होता क्या है, क्या कार्य इसमें किया जाता है। सबसे पहला होता है नई वस्तु का परिचय, नई वस्तु का परिचय। नई वस्तु का परिचय का मतलब है कि उस जब एडवर्टाइज किया जाता है तो देखते होंगे जो भी नया प्रोडक्ट बनता है तो उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया जाता है। हीरो होंडा कंपनी, बजाज कंपनी, रिलायंस कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, दुनिया भर की कंपनियों का प्रचार, और वह कंपनी बताना चाहती है कि हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, ऐसा है, ये खूबियां, प्राइस नहीं अभी बताया जाता, उसके बारे में बताया जाता है, यह काम करता है, ऐसे करता है, इतना अच्छा चलता है, एकदम स्मूथ है, उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है और किसी पॉपुलर व्यक्ति से कराया जाता है ताकि लोग वस्तु को भी देखें, उस पॉपुलर व्यक्ति को भी देखें। अगला है मांग का सृजन। मांग का सृजन, मांग का सृजन का मतलब है कि मार्केट में उसकी डिमांड को उत्पन्न किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट का मकसद ही यही होता है कि पब्लिक में, जनता में क्या उसकी डिमांड को उत्पन्न करना। इस हिसाब से एडवर्टाइज किया जाता है कि मार्केट में डिमांड उसका ऑटोमेटिक उत्पन्न हो, कि लोग उसे आसानी से खरीदने के लिए उत्साहित हो जाए। तो दूसरा इसका एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का काम होता है क्या, मांग उत्पन्न करना, डिमांड को जागृत करना। अगला है विक्रय को कार्य करना, विक्रय करना। अब विक्रय कैसे किया जाता है, जब कंपनी जान जाती है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का अब डिमांड आ गया है, लोग चाह रहे हैं कि अब इसको खरीदने के लिए, तो उस माल को सेल करने के लिए जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंसियां हैं, होलसेलर्स हैं, अपना अपना नियुक्त करती हैं, उनको ऑथराइजेशन लेटर देती है कि हमारे प्रोडक्ट को ले आइए अपने यहां बेचिए, और वो डीलर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सीधे कंपनी से लेते हैं और उसको सेल करने का, हम आम पब्लिक में बेचने का काम करते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। देखिए ऐसे ही सिस्टम चलता रहता। अगला है इसमें ब्रांड की वरीयता है, ब्रांड की वरीयता। ब्रांड की वरीयता, ब्रांड मतलब होता है कि एक कंपनी का नाम, फेम। देखे देखे होंगे किसी भी, चाहे वो प्रोडक्ट कैसा भी हो, यदि उसमें किसी अच्छे कंपनी का लेवल लग जाए, नाम लग जाए, तो ब्रांड बन जाता है। जैसे देखते होंगे चाहे ये छोटा सा ही वस्तु हो और उस पर बड़े बड़े नामी व्यक्ति जिनकी गुडविल ज्यादा होती, गुडविल किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति की नाम या प्रसिद्धि, जैसे जितने भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, या टीवी सीरियल्स के कोई हैं, या कोई लीडर्स वगैरह, देखते होंगे कहीं उद्घाटन होता होता है, किसी विशेष व्यक्ति को अतिथि बुलाया जाता है, ऐसा विशेष व्यक्ति जिसको सारे लोग जानते हैं। वैसे ही जब एडवर्टाइजिंग का काम किया जाता है तो कंपनी किसी अच्छे व्यक्ति को बुलाती है जिसकी मार्केट में गुडविल ज्यादा है, केवल उस व्यक्ति के खड़े हो जाने से उसका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, अर्थात उस व्यक्ति के एडवर्टाइजमेंट करने के साथ साथ कंपनी अपने नाम का लोगो भी लगाती है। लोगो लगाने से उसका मार्केट बन, प्रोडक्ट कैसा भी हो उससे मतलब नहीं, लेबल लग गया कि फला ब्रांड है, फला कंपनी का है, उसका लोगो सिंबल लग गया तो दिख रहा है कि हाँ भाई बहुत ब्रांडेड कंपनी, अब किसी कंपनी का नाम नहीं लिया जाएगा, तो ब्रांड की वरीयता दी जाती है। अगला इसमें और भी दिया जाता है
क्रेता को नई नई जानकारी, नई जानकारी देना। क्रेता को नई जानकारी का मतलब होता है कि जब मार्केट में माल सेल होता रहेगा तो उसके बाद से वह कंपनियां क्या करती हैं, अपने उसी वस्तु के आइटम में, उसी आइटम में कुछ उसका आकार प्रकार डिजाइन चेंज करती है। सामान वही रहता है, देखते होंगे खाने वाले तमाम कुरकुरे उबरे आते हैं, बिस्कुट आता है, दुनिया भर की चीजें आती हैं, प्रोडक्ट वही रहता है, उसके डिजाइन आकार प्रकार साइज उसका स्मेल मतलब फीलिंग्स और टेस्ट कुछ चेंज कर देती है। तो क्रेताओं को जानकारी देती है, हमने ये भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, साथ में ये भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इससे बहुत टेस्टी खुशबू आती है। तो क्रेताओं को इस प्रकार की नई नई जानकारियां देना भी एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का काम होता है। अगला एक और है, जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार का मतलब होता है कि एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का काम यह होता है कि लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, उसके कल्चर, उसके लाइफ स्टाइल को चेंज करना भी उसका काम होता है। देखते होंगे पुराने जमाने में हम लोग धोती कुर्ता पहनते थे, कुछ चेंज हुआ तो पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया, और भी कुछ चेंज हुआ तो हमने जींस पहनना शुरू कर दिया, कुछ और भी आगे प्रक्रिया चल ही रहा। तो कहने का मतलब है कि कपड़ा वही है, कपड़ा जैसे पहले था वैसे ही आज भी, बस उसके सिलने का बनाने का तौर तरीका केवल चेंज हुआ। तौर तरीका चेंज होने के साथ साथ लोगों का लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर भी चेंज हो गया, रहने का, चलने का, पहनने का, खाने का। देखते होंगे होटल छोटा हो चाहे होटल बड़ा हो, भोजन सब में ही मिलता है, बस यही है, कोई 5 स्टार होटल है, कोई 3 स्टार, कोई 2 स्टार, कोई एक लोकल रोड पर का झोपड़पट्टी वाला होटल, सारे में भोजन मिलते हैं, बस जगह जगह की बात है, बस कैटेगरिया बांट दी गई है कि भाई कौन कहाँ जाएगा। तो ये होता है हमारे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का काम कि लोगों के लाइफ स्टाइल को चेंज करना भी ध्यान में रखा जाता है। एक और है, चूंकि जगह नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, 5वां इसका होता है, मैं यहां बता दे रहा हूं, उत्पादन प्रबंध। उत्पादन प्रबंध जिसको प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहा जाता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, ये संक्षिप्त में मुझवानी ही बता दे रहे हैं, बहुत कठिन नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब काम होता है उत्पादन करना, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, उत्पादन मतलब होता है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, कारखाना या फैक्ट्री में जब वस्तु का निर्माण किया जाता है तो निर्माण कैसे किया जाएगा, किस ढंग से किया जाएगा, ये सब उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत आता है। प्रोडक्शन जो मैनेजर होता है वो यही देखता है कि हम इस वस्तु का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, इसके लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होगी, कितनी हमारी मात्रा में कैपिटल लगेगा, कितने लेबर लगेंगे, कितना अदर एक्सपेंसेस लगेंगे, कितना उसमें इन्वेस्ट होगा, करेंगे तो कितना प्रोडक्शन होगा, एक दिन में कितना होगा, 2 दिन में कितना होगा, 8 घंटे काम करें तो कितना होगा, ये सब प्रोडक्शन मैनेजर, कितने हम लेबर किस ढंग से लगाएं, अलग अलग कार्यों पर कैसे किस प्रकार के आदमी लगाएं ताकि हमारा प्रोडक्शन हो सके। हर प्रोडक्शन मैनेजर का ये भी काम होता है कि न्यूनतम लागत पर वो अधिकतम उत्पादन करना चाहते हैं, मतलब कम कास्ट पर अधिक प्रोडक्शन देना चाहते हैं, यहां तक कि अधिक से अधिक प्रॉफिट भी कमाना उनका टारगेट होता है। देखते होंगे कोई भी जैसे थम्सअप है, कोक कोला, पेप्सी वगैरह है, तमाम ये पेय पदार्थ वगैरह आते हैं, तो देखते होंगे कि इसमें बहुत सारा मटेरियल नहीं होता, बहुत सस्ता होता है, मतलब उसकी कास्ट कम होती है, लेकिन वो चैनल बाई चैनल चलने पे कोई भी सामान लीजिए, कोई जरूरी है कि यही है बिस्कुट, नमकीन, खाने पीने का चीज, उसकी कास्ट कम आती है, लेकिन वहां से चलते 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 चाहे दवाइयां भी हुई उसकी कास्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जब चैनल कई रहेंगे, यहां से सीधे कंपनी यदि हमको दे रही तब तो उसकी कास्ट कम आएगी, लेकिन यदि कंपनी अपने होलसेलर, डीलर, रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचाती
उसकी कास्ट थोड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि सबका प्रॉफिट जुड़ा रहता है प्लस ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस रहता है, इस वजह से उसकी कास्ट आ जाती है। लेकिन यहाँ प्रोडक्शन मैनेजमेंट में वो ये ध्यान रखता है कि उत्पादन कैसे किया जाए, किस ढंग से किया जाए, कितना इन्वेस्टमेंट। प्रश्न यह है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कार्य क्या। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पहला काम है कि प्रोडक्शन पर की प्लानिंग करना, कि हमें प्रोडक्शन करना है तो उसका सही दिशा में प्लान करना कि कब क्यों कैसे किस ढंग से हम प्रोडक्शन करें। दूसरा है प्रोडक्शन पर नियंत्रण करना, कि प्रोडक्शन ही करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है, देखना है कि कहीं ज्यादा वेस्ट तो नहीं हो रहा। अगला है कि संयंत्र विन्यास, ठीक ना, लेआउट मशीन। सिर्फ संयंत्र विन्यास का मतलब होता है कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें कौन कौन सी मशीनों की आवश्यकता होगी, छोटी मशीन, बड़ी मशीन, फास्ट चलने वाली, स्लो चलने वाली, ठीक ना, रस निकालने वाली, किस तरह की मशीन की आवश्यकता है, मशीन की व्यवस्था करना प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम होता है। अगला है कार्य मापन, ठीक ना, वर्क मेजरमेंट, किस मशीन पर कितने घंटे को काम लगाया जा सकता है किसी लेबर को, किसी व्यक्ति को, ये भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम होता है। अगला है स्कंद नियंत्रण, कि जो भी माल हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहे हैं, रॉ मटेरियल लग रहा है, तो स्टॉक नॉट, ये हर प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम होता है कि स्टॉक कम मात्रा में बचे। और लास्ट में है बिक्री नियंत्रण, कि माल उतना ही प्रोडक्शन किया जाए जितना आसानी से सेल हो जाए, उसको स्टॉक करने की आवश्यकता न हो, तो ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम है। क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के फंक्शंस को, कार्य को हमने बोर्ड पे नहीं लिखा है, मुझे ही बता दे रहे हैं, एक बार और भी बता दे रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का कार्य होता है पहला उत्पादन का नियोजन करना, दूसरा होता है उत्पादन पर नियंत्रण करना, तीसरा है संयंत्र विन्यास, अगला है कि स्कंद पर नियंत्रण करना, और लास्ट है विक्रय पर नियंत्रण करना, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ। हमारा वीडियो कैसा लगा ये लाइक करके आप जरूर बताइएगा, और मैं चाहूंगा कि जो बच्चे बिजनेस मैनेजमेंट अर्थात प्रबंध के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत, वो कंटिन्यू देखते रहें, उन्हें एक दो दिन अल्टरनेट करके इस वीडियो पढ़ता रहेगा और देखते रहेंगे, क्योंकि वीडियो तो मैं रोज डालता हूँ, लेकिन यही है कि रोज एक ही सब्जेक्ट का वीडियो नहीं डालते, एक दो दिन अल्टरनेट करके अलग अलग सब्जेक्टों की वीडियो डालते हैं। इसलिए तब तक ये पढ़िएगा, टू द पॉइंट आप लोग कॉपी खोल कर नोट्स कर लीजिएगा, पॉइंट आपको याद रहेंगे तो एक्सप्लेन कर ले जाएंगे केवल लेक्चर को सुनकर। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर जुड़े हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय।